नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुमसा टेक्निकल में। दोस्तों, अगर आपके पास भी SBI बैंक का खाता है या फिर किसी और बैंक का भी खाता है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में SBI की तरफ से जारी की गई सभी बैंकों के लिए एक जरूरी सूचना है जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है। तो ये क्या सूचना है जो SBI की तरफ से दी गई है, तो इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का बटन दिखेगा, उसे दबाकर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और फ्रेंड्स, ऐसी सूचना पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा है, तो आज का विषय हमारे देश भर के SBI खाताधारकों के लिए जरूरी सूचना के बारे में है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में ज्यादातर लोगों का जो खाता है वो SBI बैंक में खुला हुआ है या फिर किसी अदर बैंक में खुला हुआ है, लेकिन मोस्टली जो अधिक लोगों का जो खाता है भारत के सबसे बड़े स्टेट बैंक में खुला हुआ है। तो उसके बारे में SBI ने अपने ग्राहकों के लिए कुछ जरूरी सूचना ऑफिशियल वेबसाइट पर दी है, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, जरूरी सूचना देश भर के सभी खातों के लिए खाताधारकों के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी वेबसाइट पर जारी की है। इस सूचना के तहत SBI का कहना है कि आजकल इंटरनेट पर चोरी के जरिए लोगों के बैंक खाते खाली किए जा रहे हैं, और बैंक ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि फिशिंग एक सामान्य किस्म की इंटरनेट चोरी है, यानी उपभोक्ता की ईमेल पर इस फिशिंग के जरिए हाइपरलिंक भेजा जा रहा है, यानी कि आपके ईमेल पर एक मेल भेजा जाएगा जिसमें एक लिंक दिया गया होता है, और फ्रेंड्स इस हाइपरलिंक पर क्लिक करते ही उपभोक्ता एक नकली वेबसाइट पर चला जाता है। यानी कि जो लिंक दिया गया होता है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे, जो ब्लू कलर का आपको एक लिंक दिखाई देता है ना, उस पर अगर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप नकली वेबसाइट पर चले जाते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल आपको सेम टू सेम आपको मिलेगी SBI की तरह ही। वहाँ पर आपको अपने कार्ड की डिटेल वगैरह मांगी जाएगी, जहाँ से आपको अगर आप वहाँ पर क्लिक करते हैं या लॉगिन होने की कोशिश करते हैं तो आपके वहाँ पर एक OTP वगैरह भी आता है। अगर OTP आप वहाँ पर एंटर कर देते हैं तो आपका जो चैनल जो आपका जो बैंक अकाउंट है वहाँ से पैसे